नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कंचन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाएं यानी कि फीमेल्स, आखिर उनको कंसीव करने में क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इसके पीछे का क्या रीज़न है कि उनको इनफर्टिलिटी से सफ़र करना पड़ रहा है। तो अगर हम रीजंस की बात करें यानी कि किन कारणों की वजह से हो रहा है, तो उनमें से एक कारण है, एक रीज़न है, वो है पीरियड्स। अगर आप किसी भी फीमेल का पीरियड यानी कि जो महीने में जो उनको महामारी आती है वो अगर इरेगुलर है या प्रॉपर टाइम से नहीं आ रहा है या बहुत जल्दी आ रहा है या 10 दिन लेट होके आ रहा है, तो उन फीमेल्स में, उन महिलाओं में क्या होता है कि उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। अब ये किस रीज़न की वजह से हो रहा है, क्यों उनके पीरियड्स इनबैलेंस हो रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, या तो आप पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं। तो अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो वो है पीसीओडी। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, दोनों सेम है पर नाम अलग अलग है, यानी कि ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाना। अब ये सिस्ट क्यों बन रहा है, इम्बैलेंस हार्मोन के वजह से बन रहा है। तो अगर कोई भी फीमेल को अगर पीसीओडी है और वो अपने पीसीओडी पे फोकस नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उनके पीरियड्स इम्बैलेंस होंगे, जिसके वजह से उनको क्या होगी, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। अगर हम नेक्स्ट रीज़न के बारे में बात करें तो वो है स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, यानी कि हम प्रॉपर तरीके से नहीं सो पाएंगे और हमारे माइंड में बात जो है, जिस बात की स्ट्रेस है वो घूमता रहेगा, जिससे क्या होगा कि हमारे हॉर्मोन्स में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाती हैं, तो स्ट्रेस के वजह से भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। अगर हम नेक्स्ट और रीजंस की बात करें तो जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि हॉर्मोन्स, अगर आपके हॉर्मोन्स प्रॉपर तरीके से बैलेंस में नहीं है, इम्बैलेंस है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन आपका ज़्यादा है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या है, ये आपके कम है, जिसके वजह से पीरियड्स आपके इम्बैलेंस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं आपको कंसीव ना करने में। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं तो उनको बैलेंस करिए। अब उनको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, अपने डाइट पे फोकस रखिए, एक्सरसाइज करिए, योगा और मेडिटेशन कीजिए। खासकर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अपने हार्मोन्स को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस ना लेके। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो आपके हार्मोन्स क्या होंगे, बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको कंसीव करने में आसानी आ जाएगी। नेक्स्ट टिप्स है कि अगर और किन रीजंस के वजह से आजकल फीमेल्स जो हैं वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, वो है उनकी डाइट, यानी कि जो उनकी सेडेंट्री लाइफ और डाइट, ये दो रीज़न जो हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी फीमेल को कंसीव अगर वो ना कर पा रहे हैं। अगर हम सेडेंट्री लाइफ की बात करें कि हम आजकल इतने अपने काम में मगन हो गए हैं कि ना हम एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं, ना हम योगा पे फोकस कर रहे हैं, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं। अनहेल्दी डाइट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि जो पैक्ड फूड है आप वो चीज़ें ले रहे हैं, बाहर के फास्ट फूड ले रहे हैं, और प्रॉपर आपकी डाइट बैलेंस में नहीं है, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम रीजंस की बात करें वो है हमारा वेट। अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, हम ओवर वेट है, तो उससे भी क्या होगा कि एक तो आपके पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, हॉर्मोनल इम्बैलेंस होंगे, जिससे कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब आपको कुल मिलजुला के अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी डाइट पर फोकस करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, योगा और मेडिटेशन करना है, जिससे आप क्या है कि आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे कम होगा और हॉर्मोन्स आपके बैलेंस में आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आप कंसीव कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।